बड़ी खबर आ रही है गेहूं और टूटे चावल के निर्यात को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार देर रात जारी दो अलग अलग अधिसूचनाओं में कहा है कि भारत ने अनाज की शिपमेंट की अनुमति देने के उनके अनुरोध के बाद कुछ चुनिंदा देशों को गेहूं और टूटे चावल के निर्यात को मंजूरी देने का फैसला किया है। दक्षिण एशियाई देश ने स्थानीय कीमतों को कम करने के लिए 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन निम्नलिखित अनुरोधों पर भारत 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया को टूटे चावल के निर्यात की अनुमति देगा। इसमें नेपाल के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया है और चालू वित्त वर्ष में गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन देशों को अनाज निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को गेहूं और टूटे चावल के आवंटित कोटा के लिए बोली लगाने की जरूरत है। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।